नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब 2019 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे RRB ALP CBT2 एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपका रिजल्ट आने के बाद वापस से कैंसिल हो गया था, आपका साइको डेट आपकी पोस्टपोन हो गई है दोस्तों। तो इस रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आने के चांसेज है और कब आपका साइको टेस्ट होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आने के चांसेस है, कितना टाइम और लगेगा आपका वापस से रिवाइज रिजल्ट आने में, और आपकी साइको की डेट कब तक आएगी। और दोस्तों इस वीडियो में हम इस रिगार्डिंग भी बात करेंगे यहाँ पे कि आपका लगभग कितना मार्क्स अब रिवाइज रिजल्ट में बढ़ने वाला है, कम भी होएगा या फिर उतना ही रहेगा आप लोगों के, किन किन लोगों को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे यहाँ पे कि कौन सी शिफ्ट वालों को यहाँ पे ज़्यादा फायदा होने वाला है, कौन सी शिफ्ट वालों को यहाँ पे नुकसान होगा और कौन सी शिफ्ट वालों के यहाँ पे नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वापस से देखा गया था कि आपकी रिवाइज आंसर की आने के बाद भी आपका रिजल्ट जब आया था उसमें आपके मार्क्स अपडेट होके नहीं आए हैं। कई लोगों ने रिप्रेजेंटेशन लगाया था कि उनके आंसर्स ये सही है, लेकिन उसके बाद भी उन आंसर्स को रॉन्ग निकाला गया था दोस्तों। और अब रेलवे ने यह भी डिसाइड किया है कि जो क्वेश्चंस उन्होंने इग्नोर किए थे वो इग्नोर क्वेश्चंस के आपको बोनस आपके ऐड हो जाएंगे वहाँ पे। जैसे कि पहले बोनस ऐड नहीं किए गए थे, इग्नोर क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया था, अब वहाँ पे वो नंबर आपके बढ़ के आएंगे दोस्तों। तो किन लोगों को यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, किन लोगों को यहाँ पे नुकसान होगा, कितने बंदे और ज़्यादा अंदर आ जाएंगे वहाँ पे, तो इस चीज़ें दोस्तों यहाँ पे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब इसी वीडियो में। पहले बात की जाए दोस्तों यहाँ पे 21 तारीख की शिफ्ट के बारे में। दोस्तों तो 21 तारीख की शिफ्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि 21 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी और उनके लोगों के पार्ट एम में नंबर बढ़े थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन पार्ट बी में उनके बहुत ही कम नंबर बढ़े थे। लेकिन 21 तारीख की सेकेंड शिफ्ट के पार्ट एम में दो क्वेश्चन इग्नोर किए गए थे दोस्तों। तो अगर बात की जाए इग्नोर क्वेश्चंस की, तो अगर इग्नोर क्वेश्चंस के बोनस भी मिलते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर पहले से आपको पता है 21 तारीख की सेकंड शिफ्ट में बहुत ज़्यादा नंबर बढ़े हैं, तो हो सकता है आपके 4 से 5 नंबर वहाँ पे बढ़ जाए। दो क्वेश्चन इग्नोर के आपके 4 से 5 नंबर वहाँ पे बढ़ जाए। ऐसा ही अगर आपके अदर शिफ्ट में, जैसे कि कई शिफ्ट में जैसे 22 तारीख की शिफ्ट थी उसमें भी आपके कई क्वेश्चन इग्नोर किए गए थे, अब उन इग्नोर क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन में। जैसे कि आपके 3 क्वेश्चन सही है ना, तो 3 के आपके लगभग 4 से 5 नंबर तक आपके वहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। कई लोगों को यहाँ पे जिनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इग्नोर किए गए, डिलीट किए गए, उन लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। जैसे कि 23 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में डीजल मैकेनिक में 7 क्वेश्चन इग्नोर मारे गए थे दोस्तों। पार्ट बी में 7 क्वेश्चन इग्नोर मारे गए थे। तो अगर वो क्वेश्चंस को बोनस मिलता है लोगों को, तो सोच लीजिए कि पार्ट बी में और कितने बच्चे वहाँ पे शामिल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें रेलवे सारे की सारी कंसीडर करने वाला है आपकी बार यहाँ पे। और काफ़ी लोगों के यहाँ पे कट ऑफ क्लियर है, काफ़ी लोगों की कट ऑफ क्लियर नहीं है, जस्ट पार्ट ए में अच्छे नंबर ला के पार्ट बी में फेल हो चुके हैं। उन लोगों के लिए भी दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। तो इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि अपनी तैयारी मत छोड़िए, कंटिन्यू साइको की तैयारी करते रहिए। और चलिए दोस्तों बात की जाए यहाँ पे कि रिज़ल्ट आपका कब तक आएगा। तो दोस्तों ये रेलवे है, थोड़ा सा टाइम लगाती है, जैसे कि उसने रिज़ल्ट निकालने में टाइम लगाया था, रिवाइज रिज़ल्ट लगाने में भी अभी 2-4 दिन टाइम लगेगा। लेकिन जहाँ तक है आपका यहाँ पर रिज़ल्ट 20 तारीख से पहले पहले आ जाएगा दोस्तों। और अगर बात की जाए साइको टेस्ट की, तो साइको टेस्ट आपका अप्रैल माह में नहीं होगा, बिल्कुल भी आपका साइको टेस्ट अप्रैल में नहीं होने वाला, क्योंकि आपका लगभग 20 तारीख तक रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद में वो जो बच्चे नए बच्चे पास होंगे वो उनको थोड़ा बहुत 10-15 दिन का टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए दोस्तों, क्योंकि अगर रिजल्ट के जस्ट 3-4 दिन बाद ही वो साइको टेस्ट करवाता है तो ये मामला कोर्ट में जा सकता है। इसलिए दोस्तों वो साइको टेस्ट में थोड़ा सा 10-15 दिन का टाइम देगा एक्स्ट्रा। इसलिए आपका मई में साइको टेस्ट होने वाला है, अप्रैल माह में आपका साइको टेस्ट नहीं होगा। और जिन लोगों को अभी बता दूं, जो लोग फेल है पार्ट ए में अच्छे नंबर आए हैं उनके, उनको लग रहा है कि उनकी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं और पार्ट बी में मुश्किल से 1-2 या पॉइंट नंबरों से कम रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दोस्तों यहाँ पर, उनका चांसेस काफ़ी बनता है सिलेक्शन होने के। दोस्तों अपनी साइको की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं की है या फिर आप लोगों ने छोड़ दिए, तो उनके लिए काफ़ी यहाँ पर बढ़िया चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों जिन जिन लोगों को लग रहा था कि उनकी शिफ्ट में कई क्वेश्चंस रॉन्ग थे,
उनके आंसर्स के मतलब बिल्कुल भी उनको मतलब इग्नोर भी नहीं किया गया, उन क्वेश्चंस को उनको सही मान लिया गया रॉन्ग होने के बावजूद, या फिर सही क्वेश्चंस को रॉन्ग निकाला गया है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आपके यहाँ पे डेफिनेटली नंबर बढ़ने वाले हैं। रेलवे इसी चीज़ का एनालिसिस कर रहा है डिटेल में यहाँ पे कि कौन सी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन एक्चुअली में सही थे और वो आंसर के में अपडेट नहीं हुए दोस्तों। लेकिन आपको बता दूँ कि आपका रिजल्ट 20 तारीख से पहले पहले आ जाएगा, लेकिन आपको तैयारी चालू कर देनी चाहिए अब। जिन लोगों को बता दूँ कि अगर 1-2 नंबरों से रहे हुए हैं, और दोस्तों कई लोग ऐसे भी थे कि उनके पहले आप एक रिजल्ट से पहले जो फाइनल आंसर की आई थी उनकी रिवाइज, उसमें वो पास थे पार्ट बी में, लेकिन रिवाइज आंसर रिजल्ट आने के बाद में वो लिस्ट से बाहर हो गए। उनके लगभग 34.93 किसी के, तो मतलब 35 नंबर में से लगभग 0.7 0.10 ऐसे नंबरों से वो लोग रहे हैं दोस्तों। तो उन लोगों को वापस से कंसीडर किया जाएगा, जो लोगों को उन्होंने रिवाइज़ की के बाद में उन लोगों को फेल किया था उन लोगों को वापस से कंसीडर किया जाएगा। प्लस में और भी लोगों को शामिल किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इग्नोर क्वेश्चंस को अब वो यहाँ पे कंसीडर करने वाला है। आप सभी लोगों को वहाँ पर बोनस मार्क्स मिलेगा, पहले बोनस मार्क्स नहीं मिला था, जैसे कि रो मार्क्स में ऐड नहीं होता था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को तैयारी डबल कर देनी चाहिए। अब साइको टेस्ट में आपको टाइम मिलेगा, आपको यहाँ पे मई में होगा, चाहे मई के फर्स्ट वीक में हो चाहे सेकंड वीक में हो, लेकिन आपका यहाँ पे अप्रैल में साइको टेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे दोस्तों बात की जाए यहाँ पे कि ये एक अच्छी बात है या बुरी बात है, यहाँ पे अगर आप इतनी बार रिजल्ट निकाल रहे हो, तो दोस्तों ये तो आप सीधी सी बात यहाँ पे सामने आती है कि रेलवे की सबसे बड़ी खामी है कि अगर आपको एक रिजल्ट निकालने में लगभग 3-3 4-4 टाइम्स मतलब आपको लग रहा है यहाँ पे कि पहले आंसर की निकालते, फिर रिवाइज आंसर की निकालते, उसमें भी दिक्कत आती, फिर दोबारा से रिवाइज आंसर की निकालते हो, फिर रिजल्ट निकालते हो, फिर रिजल्ट को कैंसिल करके दोबारा से रिवाइज रिजल्ट निकालते हो, तो दोस्तों ये एक रेलवे की सबसे बड़ी खामी है। सीबीटी फर्स्ट में भी देखा गया था कि सीबीटी फर्स्ट में रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया था, वापस से रिवाइज रिजल्ट निकाल के उन्होंने 9 लाख से 15 लाख बंदे वहाँ पर ले लिए थे। तो दोस्तों ये एक रेलवे की सबसे बड़ी खामी है। चलो इसमें कुछ बच्चों का फ़ायदा हो गया, लेकिन कुछ बच्चों का यहाँ पर नुकसान ये भी होता है कि रियल में जो जेन्यून पढ़ने वाले बच्चे होते हैं दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे थोड़े से पीछे रह जाते हैं। जैसे कि कई जैसे कि आपके ट्रेड की बात की जाए यहाँ पे, तो कुछ लोगों के मतलब नंबर कम आए हो पार्ट ए में, लेकिन पार्ट बी में काफ़ी अच्छे नंबर बढ़ने की वजह से वो पास हो गए, जस्ट कट ऑफ उनकी पार्ट ए में क्लियर हो, लेकिन वो एक तरह से पास हो गए। और अगर बात की जाए यहाँ पे कि कुछ बंदे यहाँ पे जो पार्ट ए में काफ़ी अच्छे नंबर है, उनके 80 नंबर है, लेकिन पार्ट बी में वो पास कैसे हुए, नॉर्मलाइजेशन की वजह से। नॉर्मलाइजेशन करो, लेकिन दोस्तों इतना भी नहीं कि आपके लगभग 15-15 20-20 नंबर तक आपके नॉर्मलाइजेशन में पड़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी ऑफ लेवल देखा जाए तो इतना ज़्यादा टफ नहीं था दोस्तों यहाँ पे, था मानता हूँ मैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 10 नंबर तक बढ़ जाए तो चलता है यहाँ पे, लेकिन 20-20 25-25 नंबर आपके यहाँ पे बढ़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये एक रेलवे का प्रोसेस है दोस्तों, इस मामले में अपन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, लेकिन आपको यही एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं दोस्तों यहाँ पे, आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए यहाँ पे, आप लोगों को पूरा पूरा चांसेस मिलेगा यहाँ पे। जिन लोगों के 2-2 3-3 नंबर कम पड़ रहे हैं पार्ट बी में, उनको भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस, उनके 90% चांसेस है कि उनको यहाँ पे अंदर ले लिया जाएगा। उनके यहाँ पे जो इग्नोर क्वेश्चन 1-1 2-2 जो बता रहे थे दोस्तों, तो उनको कंसिडर करके उनको यहाँ पे अंदर ले सकता है रेलवे। और बात की जाए कि जैसे कि फाइनल लिस्ट आपकी जो निकाली थी फाइनल रिजल्ट में आपका, तो उसमें जैसे कि 3-3 4-4 नंबर सबके कम हुए थे दोस्तों, हो सकता है आपके लोगों के वापस नंबर बढ़ जाए वो, क्योंकि ये दोस्तों ये इलेक्शन टाइम है, रेलवे को रिस्क लेना नहीं चाहता यहाँ पे, क्योंकि उनको लग रहा है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटेड हुए हैं रेलवे से, तो इसलिए वो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता अभी इलेक्शन टाइम में, इसलिए वो दोबारा से रिवाइज रिजल्ट का उसने डिसीजन लिया है दोस्तों। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपका रिवाइज रिजल्ट दोबारा से निकाला गया, जैसे कि ग्रुप डी में काफ़ी खामियां देखने को मिली थी, लेकिन रेलवे ने रिवाइज रिजल्ट नहीं निकाला, लेकिन लोको पायलट वालों को दोस्तों दोबारा चांस मिला है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी रखिए, कंटिन्यू कंटिन्यू तैयारी रखिए। जिन लोगों ने तैयारी छोड़ दी है फेल होने के बाद में, उनको बोलता हूँ वापस से, अभी टाइम पड़ा थोड़ा बहुत, 10-15 दिन का आप कवर कर सकते हो आराम से। आप लोगों के अगर 70-75 नंबर आके आप पार्ट में फेल हो रहे हो एक पॉइंटों में नंबर में, तो आप लोगों को बता दूँ आपके पास काफ़ी बढ़िया चांसेस है, आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। दोस्तों ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया आप लोगों से कि जिन लोगों ने अपनी उम्मीद छोड़ दी है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी है, चांसेस काफ़ी हाई है, 90% चांसेस है, हो सकता है कि लगभग 2-3 लाख बंदे और अंदर आ जाए रिजल्ट के थ्रू। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है कुछ बंदे बाहर हो जाए, हो सकता है कुछ बंदे अंदर आ जाए दोस्तों। यहाँ पर उम्मीद नहीं खोना आपको, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए।
और रिजल्ट की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे आपका 20 तारीख से पहले पहले आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, और साइको टेस्ट आपका यहाँ पे मई में होगा, अप्रैल में जहाँ तक आपका साइको टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि 3 4 दिन आपके वो ट्रेवल वाले वो लगाते हैं, पास वास में आपकी सीटी बताते हैं, 3 4 दिन में वैसे लग जाते हैं वो, तो इसलिए आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट थोड़ा सा यहाँ पे 20 तारीख तक आएगा दोस्तों, 20 तारीख से पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, और आपकी साइको के टेस्ट में फिर आपको 10 से 12 दिन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो साइको टेस्ट आपका लगभग मई में ही आपका जाने वाला है दोस्तों, तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।